हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल और एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, ग्रामर के वीडियो लेक्चर की शुरुआत में सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, उसके कितने प्रकार हैं। यहां पर इस वीडियो लेक्चर में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सबसे पहला प्रश्न, क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? आप में से अधिकतर का जवाब होगा 26, लेकिन यह सही आंसर नहीं है। सही आंसर है 1। किसी भी लैंग्वेज में केवल एक ही अल्फाबेट होता है। अल्फाबेट का मतलब है वर्णमाला। 26 तो लेटर्स हैं इंग्लिश में, जिन्हें आप अक्षर या वर्ण कहते हैं, ए से लेकर जेड तक। ये लेटर्स हैं, न कि अल्फाबेट। अल्फाबेट केवल एक है। इसी तरह से ये बात जानना भी जरूरी है कि इन 26 लेटर्स में से कौन से वॉवल्स हैं यानी स्वर, और कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं यानी व्यंजन। वॉवल्स हैं आपके पास 5, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट बाकी के बचे हुए 21 लेटर्स हैं। साथ ही साथ ये बात जानना भी जरूरी है कि लेटर्स से मिलकर के वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से मिलकर के सेंटेंसेस बनते हैं, और सेंटेंसेस से मिलकर के पैराग्राफ्स बनते हैं। यानी अक्षरों से मिलकर के शब्द बनता है, शब्दों से मिलकर के वाक्य बनता है, और वाक्यों से मिलकर के पैराग्राफ बनता है। अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वाक्य क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनके कितने प्रकार हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि सेंटेंसेस के अलग अलग भाग कौन से होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट जो कि नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जेरंड हो सकता है, या इन्फिनिटिव हो सकता है। एक वर्ब यानी क्रिया, उसमें मेन वर्ब हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, और हेल्पिंग वर्ब में भी मोडल हेल्पिंग वर्ब्स हो सकती है, जिन्हें आप मोडल या मोडल्स कहते हैं। और ऑब्जेक्ट में या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहां पर शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की, जो कि है सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स। सेंटेंस क्या होता है? किसी भी भाषा में किसी बात को लिखने या बोलने के लिए आपको शब्दों की जरूरत पड़ती है। शब्द यानी वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह जो आपकी बात के अर्थ को पूरी तरह से उस व्यक्ति को स्पष्ट कर दे जिसको आप वो बात बता रहे हैं या पूछ रहे हैं, तो वो एक सेंटेंस है। अगर आप इंग्लिश में मुझे इसकी डेफिनेशन पूछें, तो मैं आपसे कहूंगा, इन एवरी लैंग्वेज देयर इज अ नीड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट। Such a group of words which can communicate a complete message is called a sentence. यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपकी बात को, आपके मैसेज को पूरी तरह से सुनने वाले को पहुंचा दे, वो एक सेंटेंस है। अब मान लीजिए आप मुझसे पूछें, क्या आप ऑफिस जाएंगे? ये एक सेंटेंस है। आपने एक सेंटेंस मुझसे पूछा, अब मैं आपको आंसर देता हूं, नहीं। यहां पर मैंने एक वर्ड में आपको आंसर दिया, लेकिन मेरी बात आपको पूरी तरह से स्पष्ट है। आपकी बात भी स्पष्ट थी, मेरी बात भी आपको पूरी तरह से क्लियर है। यानी सेंटेंस एक या एक से ज्यादा वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक सिंगल वर्ड में भी आप अपनी बात को अगर क्लियर कर दें, मैसेज को कन्वे कर दें, तो वो एक सेंटेंस कहलाता है। अब बात करते हैं सेंटेंसेस के प्रकारों की। सेंटेंसेस को दो क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया गया है। एक क्लासिफिकेशन में कहा जाता है कि सेंटेंस चार तरह के होते हैं, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें आप कहते हैं स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य। अगर आप डेफिनेशन की बात करें, सच सेंटेंसेस स्टेट अ फैक्ट, ओपिनियन और एन आइडिया। यानी ऐसे सेंटेंसेस में किसी फैक्ट की बात होती है, यानी किसी तथ्य की, या फिर किसी ओपिनियन या आइडिया की। मैं आपसे कहूं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। ये सही बात है, ये एक तथ्य है। तो ये सेंटेंस एक असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी का सेंटेंस है। इसी तरह से अगर मैं कहूं श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये एक तथ्य है, एक फैक्ट है, एक सत्यता है इस बात में। ये एक असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से किसी भी ओपिनियन की बात करते हैं। मान लीजिए मैं कहूं कि राम एक अच्छा लड़का है, यहां पर ये मेरा ओपिनियन है। हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, या मेरे लिए ये सही हो लेकिन किसी और के लिए गलत हो। तो ये पूरी तरह से फैक्ट तब है जब ये सत्य हो। अगर ये सत्य है तो एक फैक्ट है, अगर ये सत्य नहीं है तो मात्र एक मेरा ओपिनियन है।
ऐसे सभी सेंटेंसेस असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में माने जाते हैं। अब बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, जिन्हें आप हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। सच सेंटेंसेस आर यूज टू परमिट कमांड और रिक्वेस्ट, परमिट करने के लिए। जैसे मैं कहूं आप अब बैठ सकते हैं, यू मे सिट नाउ, या मैं कहूं आप अब जा सकते हैं, यू मे गो नाउ, मैं आपको परमिशन दे रहा हूं। इसी तरह से अगर मैं आप पर कमांड कर रहा हूं, आपको कोई आदेश दे रहा हूं, मैं आपको कहता हूं गो देयर, वहां जाओ, सिट हियर, यहां बैठो, कम हियर, यहां आओ, ऐसे सेंटेंसेस में आपको मैं ऑर्डर देता हूं। और रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस कैसे हो सकते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं लेट मी गो नाउ, मुझे अब जाने दीजिए, यहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। या मैं कहता हूं लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, डोंट डिस्टर्ब हिम, उसे डिस्टर्ब मत करो। ऐसे सेंटेंसेस में आपसे रिक्वेस्ट की गई है, ये सभी सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। और इस पर एक सेपरेट वीडियो लेक्चर मैंने बनाया है, जिसे आप कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मैंने दिया है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो लेक्चर को देख करके इंपेरेटिव सेंटेंसेस को डिटेल में समझ सकते हैं। इसी तरह से बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, जिन्हें आप कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, कोई भी प्रश्न पूछा गया हो, सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। कोई भी सेंटेंस जिसमें एक प्रश्न पूछा गया हो, जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आप खेल रहे हैं, आर यू प्लेइंग, या मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, ये सभी सेंटेंसेस इंटरोगेटिव्स हैं। अब बात करते हैं हमारे चौथे प्रकार की, जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी विस्मयादिबोधक वाक्य। कोई भी वाक्य इस कैटेगरी में तब होगा जब मन की अचानक उत्पन्न हुई भावना की अभिव्यक्ति की गई है उसमें। सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशंस। इमोशन किसी भी प्रकार का हो, चाहे खुशी का हो, जैसे आप अचानक से खुश हो जाते हैं और आप कहते हैं ओ माय गॉड आई एम वेरी हैप्पी नाउ, या आप कहते हैं फैंटास्टिक, या आप कहते हैं मार्वलस, इस तरह से जब आप एक्सप्रेशन देते हैं। या फिर आप दुखी होते हैं, मान लीजिए कोई हादसा हो जाता है कहीं और आप कहते हैं हाउ ट्रेजिक, कितना दुखद है, हाउ सैड, ऐसे सेंटेंसेस। या फिर आपको कोई सरप्राइज दे तो आप उसे खोलते हैं, देखते हैं उस सरप्राइज को, आप कहते हैं ओह माय गॉड इट्स अमेजिंग, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, फिनोमिनल, इस तरह के एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेंटेंसेस के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आने वाले भविष्य में जब ग्रामर के अलग अलग टॉपिक्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि यहां पर देखिए ये सेंटेंस कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता होगा तो कोई भी नियम, कोई भी रूल आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो देखिए डे टू डे लाइफ में ज्यादातर सेंटेंसेस जो हम बोलते हैं, जिसमें हम किसी बात का वर्णन करते हैं, वो सब मेरे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। जिनमें आप प्रश्न पूछते हैं वो इंटरोगेटिव्स हैं, और ऐसे सभी सेंटेंसेस जिनमें आप किसी परमिशन की बात करते हैं, रिक्वेस्ट की बात करते हैं या ऑर्डर देते हैं, ऐसे सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में। या फिर जिनमें आप अपने मन की फीलिंग्स को बयां करते हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस, और इन सेंटेंसेस को आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एंड में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, आपने देखा होगा एक सीधा डंडा और उसके नीचे एक बिंदु, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। इसका एक सेपरेट वीडियो लेक्चर है जिसमें मैंने आपको ऐसे सेंटेंसेस बताए हैं, इन्हें आप इंटरजेक्शंस की कैटेगरी में भी रखते हैं, इसका एक सेपरेट वीडियो लेक्चर है, कमेंट बॉक्स में आप इसका लिंक देख सकते हैं, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी दूसरी क्लासिफिकेशन की, दूसरा वर्गीकरण। देखिए पहला वर्गीकरण जो था, सेंस और मीनिंग के हिसाब से सेंटेंसेस को चार प्रकारों में बांटा गया। यहां पर सेंटेंस को इस हिसाब से बांटा जाता है कि उसमें कोई प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नहीं पूछा गया है, नॉट का यूज हुआ है कि नहीं। तो इसमें आपके पास चार प्रकार हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिन्हें आप कहते हैं सकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें ना तो नॉट का प्रयोग हो, नहीं का प्रयोग भी ना हो, और कोई प्रश्न भी ना पूछा गया हो, इन्हें आप कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे मैं कहूं राम एक अच्छा व्यक्ति है, राम इज अ गुड पर्सन। और इसी तरह से अगर नेगेटिव सेंटेंस मैं इसका बनाता हूं, नकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट का प्रयोग हो, तो मैं कह सकता हूं राम एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, राम इज नॉट अ गुड पर्सन। अब देखिए हमारा तीसरा प्रकार जो कि है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं क्या राम अच्छा व्यक्ति है,
इज राम अ गुड पर्सन, या फिर कोई भी प्रश्न जिसमें कोई डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर यूज हुआ हो, जैसे क्या, कैसे, कब, कहां इसका यूज किया गया हो। डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर्स के बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझाया था, इसका लिंक आपके कॉमेंट बॉक्स में है, आप चाहें तो इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं और डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में समझ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं राम अच्छा व्यक्ति क्यों है, क्यों के लिए मैं यूज करता हूं why इज राम अ गुड पर्सन। तो यहां पर कुल मिलाकर हमारा फोकस यह है कि हमें ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बात करनी है जो प्रश्नवाचक हो। और इसी तरह से हमारा अगला कैटेगरी है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी जिनमें नॉट का भी यूज हो, नहीं का भी प्रयोग हो और प्रश्न भी पूछा गया हो। जैसे मैं आपसे पूछूं राम अच्छा व्यक्ति क्यों नहीं है, यहां पर एक प्रश्न भी है और नॉट का भी यूज है, why इज राम नॉट अ गुड पर्सन। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर भी आपके कोई प्रश्न हो आप बेझिझक ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सेंटेंसेस के पार्ट्स के साथ, तब तक के लिए विदा लूंगा, धन्यवाद।